सालो शर्म नहीं आती तुमको, बेशरम हो। इतना तुमको बोलने के बावजूद शर्म नहीं आ रही है। वो आ गई पुलिस की गाड़ी, आ रही है गाड़ी। अभी रुको, तुमको अभी कब भी ले जाती हूँ। इतनी बार इन्फॉर्म करने के बाद नहीं, यहाँ भी भीड़ लगती है, यहाँ भी भीड़ लगती है। एक जो आगे दुकान है ना, वहाँ पे भी भीड़ लगती है। ये लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी। आपको तो मैं चलते आपको कुछ और बता भैया। थाना प्रभारी गोविंदपुरा कमल सिंह चौहान के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया। मैडम हर गांव में आप 12 लोगों को मीटिंग मत बना। इसके कारण ये हो रहा है कि जो लोग बाहर से आने वाले है ना, जैसे बाहर से कोई भी आता है, इंदौर से आता है तो सांवेर होता है, वो अपने इस एरिए से इधर घुस जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भारी व्यक्ति तो ये अपने गांव में ना आए, है ना। क्योंकि गांव में क्या रहता है, जगह जगह लोग रूम बना के बैठ जाते हैं, चौपाल पे मंदिर में ताश पत्ते खेलने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं। अपन को सबको ये बताना है कि भैया हम ये आपको नहीं करना, आप सब अपने अपने घर में बैठो। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बंद। आप आपका जो भी काम धंधा है वो घर में बैठ के करो, वरना आप बाहर बैठ के कोई भी काम नहीं करोगे। ग्रुप में कोई नहीं बैठोगे, 5 से 6 व्यक्ति कहीं नहीं खड़े रहोगे। जहाँ भी आप जाते हो थोड़ा हाथ जोड़ के समझाओ, काका भैया दादा करके। अगर नहीं समझता तो फिर बर्मुर्योग के प्रयोग करके आप उनको अंदर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भलाई बुराई नहीं है, ये अपने देश के लिए महामारी से बचाने के लिए सबको है। इसमें अगर किसी को बुरा भी लगता है तो आपको कोई ध्यान नहीं देना, बिल्कुल आप उनको अंदर करो। और क्योंकि जब ये महामारी खत्म होगी और जब उनकी जान बचेगी, और जिनके मरे हुए लोग हैं, जो मर गए हैं और उनका परिवार आज उनके लिए रो रहा है, जब उनको वो देखेंगे ना, जब उनको आपकी अहमियत पता चलेगी कि आपने लॉकडाउन में कितना अच्छा काम करा है और आपने उन लोगों की जान बचाई है, तो मेरी आप सब लोगों से यही विनती है। जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसा मोदी जी ने कहा है, हम सब लोगों को कि लॉकडाउन जो उन्होंने चालू करा उनके निर्देश अनुसार अपने को चलना, और पूरे गांव में अपने को टीम बना के और ये काम करना और एकजुटता का परिचय देना है। ठीक है भैया, धन्यवाद।